मेरी ब्रेस्ट पहले से ही हैवी थी, लाइक कॉलेज टाइम में भी और डिलीवरी के बाद तो बहुत ज्यादा हैवी हो गई। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जितने भी वर्कआउट्स मैंने ट्राई किए हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक मैंने योगा अपलोड किया हुआ है, क्रॉसफिट वर्कआउट अपलोड किया हुआ है, उसके बाद मोबिलिटी स्ट्रेचिंग की आप कैसे मोबिलिटी स्ट्रेचिंग कर सकते हो अपने वर्कआउट के बाद अपनी ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स के एक्सरसाइजेस मैंने शेयर किए हैं। आज मैं आपको बता दूं, जब मेरी बेटी छोटी थी मैंने बताया मैं कैसे मैनेज करती थी अपने एक्सरसाइज को, अपने डाइट को। ऑलरेडी मैंने डाइट इस पे पूरा डाला है, मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया था बिगिनिंग में, एक साल के बाद, डिलीवरी के एक साल के बाद। तो काफी बार ऐसा होता था कि दिन में मेरा इतना अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाता था, लाइक 15-20 मिनट्स का हो गया तो मुझे लगता था कि रह गया है। तो रात को जब मेरी बेटी सो जाती थी तो मुझे कभी कभी नींद नहीं आती थी क्योंकि दोपहर को मैं उसके साथ सो जाती थी, तो नाइट लैंप लगाकर मैं अपना ब्रेस्ट वर्कआउट करती थी। और मैं ये कौन से एक्सरसाइजेस करती थी ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको करना है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना ही है तो आपको ढूंढने पड़ेंगे रास्ते, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब आपको टाइम मिलेगा। आपको एक भी मौका छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज करने का, या आपने डाइट को ब्रेक नहीं होने देना है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो रात को जो मैं वर्कआउट करती थी बेड पे, लाइक मेरी बेटी अगर 9 बजे सो गई तो काफी बार मुझे नींद नहीं आती थी, तब जो मैं वर्कआउट करती थी ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के दो फायदे होंगे, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, दूसरा आपको बैलेंस भी आएगा। इस तरह से हाथों को, जिस तरह से हम नाव चलाते हैं, आपको नाव को लाइक पीछे की तरफ ढकेलना है और आपके हाथ में पतवार दे दी है, जस्ट उसी तरह से आपको ये वर्कआउट करना है। और जितना हो सके उतनी स्पीड में आप इसको कीजिए अगर आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाने हैं। तो आपको मैं इसका साइड पोज भी दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिए, और बस इस तरह से जोर जोर से आपको करना है। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचना है आपको, 30 सेकंड करनी है ये एक्सरसाइज और इसके 3 राउंड लगाइए आप। ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए इस बार आपको हाथों को आगे की तरफ घुमाना है, जैसे आपको नाव को आगे की तरफ लेके जाना है। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान दीजिए, जितने स्पीड में आपकी एक्सरसाइज चलेगी उतने ही स्पीड में आपका ब्रीदिंग होना चाहिए। साइड पोज देखिए, आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, बैक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए आपकी। ये एक्सरसाइज भी आपको 30 सेकंड्स करनी है, इसके भी 3 राउंड लगाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको वज्रासन में ही बैठना है। अगर आप ज़्यादा देर तक वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में भी बैठकर ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाथों को लॉक कीजिए और ऊपर की तरफ पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। जब आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तब आप ब्रीथ छोड़ेंगे, आगे की तरफ लाएंगे तो ब्रीथ इन। ब्रीदिंग पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपका स्टमक भी साथ साथ रिड्यूस हो जाए। इस तरह से साइड पोज भी देख लीजिए इसका, आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, बैक स्ट्रेट रखनी है आपको। और इसके भी आप 30 सेकंड करेंगे और 3 राउंड्स लगाएंगे इस एक्सरसाइज के भी। इस एक्सरसाइज में आपको आगे ताली मारनी है, पीछे ताली मारनी है, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, लेकिन ध्यान से ताली ज़्यादा ज़ोर से मत मारना नहीं तो आपका बच्चा उठ जाएगा। बस इसी तरह से आपको 30 सेकंड 3 राउंड्स लगाने हैं। इस तरह हाथों को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर नीचे की तरफ लाना है। ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, आप स्पीड में नहीं कर सकते, स्लो कीजिए। आप 3 राउंड 30 सेकंड्स के नहीं लगा सकते, आप 15 सेकंड्स के 3 राउंड लगाइए। लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट 15 मिनट्स भी हैं तो भी ये एक्सरसाइज आप बेड पे बैठ के कीजिए, क्योंकि 15 मिनट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके मिलने वाले हैं। बैक को बिल्कुल सीधा रखिए, अगर बैक पे प्रेशर आएगा तो फ्यूचर में जाके आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बैक को बिल्कुल सीधा रखना। इस एक्सरसाइज के भी आपको 30 सेकंड्स और 3 राउंड ही लगाए हैं। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, वज्रासन में बैठिए या फिर आप
सुखासन में बैठिए, हाथों को पीछे की तरफ खींचना है, सांस को छोड़ना है लेना है, छोड़ना है लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग टेक्निक, प्लीज़ सीख लीजिए। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे नेक बोन हमारा जो है वो दिखने लग जाते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है वो फैट पूरा निकल जाता है। इसके आपको 30 सेकेंड्स 3 राउंड लगाने हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको सुखासन में बैठना है। ये एक्सरसाइज आपके स्टमक और ब्रेस्ट फैट दोनों को ही रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। जोर जोर से आपको सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, बाहर की तरफ निकालना है, इस तरह से बिल्कुल भी मत करना। ये एक्सरसाइज ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए होती है। अभी जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से करना। इस एक्सरसाइज के भी 30 सेकेंड्स और 3 राउंड्स ही लगाने हैं। ये सारी ही एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको साइड में पसीना आए तो टी शर्ट को निकालिए और दूसरी टी शर्ट पहन लीजिए और सो जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।